हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका कंप्यूटर टीचर कुलवंत सिंह। आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जो हमें दे रखा है फॉर्मूला एंड फंक्शन इन एमएस एक्सेल 2010। आज हम एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे। एक्सेल के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं, किस तरह से हम उसका यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पर हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, सम एडिशनल जो भी हम यहाँ पर निकालेंगे वैल्यू, वो मैं आपको अभी बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम पर जाना है वहाँ से, और हमने यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लेंगे। जो एक्सेल है इस तरह से आपके पास ओपन हो जाएगा। तो ओपन होने के बाद अभी हमने क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है हमारे पास, वो हमने क्या करना है इसमें कि हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। अभी जैसे मान लीजिए कोई सेल है, एक वन बॉक्स को हम सेल बोलते हैं। इसके अंदर हमारे पास कॉलम, रो, ये सभी अवेलेबल होते हैं। हम वन बॉक्स को सेल बोलते हैं। और इसका यूज़ कैसे होता है, जैसे सेल मान लीजिए मैंने किसी भी एक बीच में सेल के ऊपर क्लिक कर दिया है। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये मेरा सेल का नंबर क्या है, और कौन सी लाइन में है, कौन सी रो में है, और कौन सा कॉलम है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया है, तो आपको एक पॉइंट दे रखा होगा यहाँ पे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, आपको ये पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, ये पॉइंट देखिए यहाँ पे आप एक। तो ये हमारे पास होता है इस सेल का एड्रेस। एड्रेस जो है हमारे पास वो अवेलेबल होता है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सेल पे क्लिक, जैसे ही मैंने सेल पर क्लिक किया तो वहाँ उसका एड्रेस हमें शो हो रहा है। सेम प्रोसीजर रहेगा हमारा। और अभी हमने क्या करना है, हम यूज़ करेंगे सेल एड्रेस, हमने बता दिया आपको किस तरह से यूज होता है। अब कैलकुलेशन की बात करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है सीरियल नंबर, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ कि मेरे फाइल में कोई इसका है ऑप्शन, अगर है तो मैं आपको अभी निकाल के बताऊँगा। चलिए, मेरे पास एक शीट बनी हुई है। तो मैंने इस शीट पे क्या किया है, मैं इस शीट पे क्या कर रहा हूँ, एक रिजल्ट तैयार किया है मैंने इस सीट पे। और इस सीट को रिजल्ट बनाया जो हमने, इस पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिंदी, जो भी सब्जेक्ट रहते हैं वो हमने सब्जेक्ट ले लिए हैं। प्लस साथ में हमने क्या किया है, कैलकुलेशन की है इसकी। वो कैसे की है मैं आपको बता रहा हूँ अभी। जो कैलकुलेशन फॉर्मूला था वो मैंने डिलीट कर दिया है। और मैंने सबसे पहले क्या किया है, सबसे पहले सब्जेक्ट, और जो हमने 80 और 20% लिया है एक सेमेस्टर के अकॉर्डिंग है, ये फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और फाइनल सेमेस्टर की तरह बनता है सीट। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले सी ड्राइव ओपन की है, मीन सी की कॉलम ली है और रो ली है 4 वाली। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला यूज़ करूँगा एक 40% किस तरह से निकाला जाता है। 40% निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, सबसे पहले लगता है हमारे पास इक्वल, इक्वल टू सम। मान लीजिए ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बिना इक्वल के कोई भी फॉर्मूला आपका पुट नहीं होगा। ये मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ क्लास, इक्वल इक्वल के बिना कोई भी फॉर्मूला हमारा पुट नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, टू मेक एक्सेल अंडरस्टैंड डैट यू वॉन्ट टू एंटर ए फॉर्मूला, द कंटेंट्स ऑफ द सेल मस्ट बिगेन विद एन इक्वल टू साइन। बिना इक्वल साइन के कोई फॉर्मूला हमारा यूज नहीं होगा, ये तो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया। अब देखते हैं कि 40% निकलेंगे कैसे। अब इसके मार्क्स हमने 40% निकालने हैं, सो लेट्स चेक कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला रहेगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम, इक्वल टू सम हमने यूज़ किया है। इक्वल टू सम क्या होगा, हम इन दोनों पॉइंट्स को प्लस करेंगे साथ में, प्लस करने के बाद फिर 40% यूज़ करेंगे, इक्वल टू सम। अब हम देखेंगे रो हमारी कौन सी यूज हो रही है और कॉलम कौन सा यूज हो रहा है। अब हमारा जो कॉलम है वो है सी, तो मैं सी पे क्लिक करूँगा और रो बनेगी हमारी 4। तो यहाँ पे यूज हो गया फॉर्मूला हमारा C4। अब शिफ्ट के साथ डबल डॉट, यहाँ पे इसको प्लस बोला जाता है मैथमेटिक में, जो हम डबल डॉट का यूज़ करते हैं सेमी कॉलन के साथ वाले पॉइंट पे। तो वो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे और प्लस साथ में क्या रहेगा हमारे पास, डी। आगे नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डी। अब D4 ब्रैकेट क्लोज
मल्टीप्लाई शिफ्ट के साथ मल्टीप्लाई आपको ऑप्शन दिखाई देगा F5 या F8, F8 पर, और वहाँ पे हम क्या करेंगे 40%, 40 लगाने के बाद शिफ्ट के साथ F5 सॉरी शिफ्ट के साथ 5 पे क्लिक करेंगे तो परसेंटेज का साइन जो है हमें वो लग जाएगा हमारे पास वहाँ पे। तो जैसे ही हम इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे और एंटर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये वैल्यू हमने परसेंटेज की निकाली है कि 40% इस तरह से निकलेगा। क्लियर हो गया सभी को? सो नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं हम इसके अलावा फंक्शन की। फंक्शन हमारे पास देखिए यहाँ पर फॉर्मूला में जाएंगे तो ये सारे हमने फंक्शन दे रखे हैं, ये सम एवरेज इफ हाइपरलिंक काउंट मैक्सिमम मिनिमम, तो ये सारे ही हमारे पास हमें ऑप्शन दे रखे हैं कि आप इसके अलावा एवरेज भी निकाल सकते हो, इफ भी यूज़ कर सकते हो, काउंट भी कर सकते हो, साइन भी यूज़ कर सकते हो, हाइपरलिंक भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अभी अगर हम इस तरह से फॉर्मूले लगाएंगे तो हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमने सिर्फ सिंपल तरीके से इसका यूज़ करना है। क्लियर हो गया? कैंसिल कर देते हैं इसको। कैंसिल करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अब मैट्रिक फंक्शन, मतलब अगर हमने मान लीजिए इसका टोटल निकाला है एक ही बार में तो कैसे निकलेगा। मान लीजिए मैंने इस पॉइंट को ओके किया और मैंने सम पे ऑटो सम पे क्लिक किया तो एक ही बार में इसका मैथमेटिक के अकॉर्डिंग हमने सम निकाल दिया। तो अलग अलग ट्रिक है, सभी दे रखी हैं इसके अंदर, आपने यूज़ करनी है। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं सभी ने, अगर जिसके घर पे कंप्यूटर पीसी वगैरह आप यूज़ कर रहे हो तो आप इसको यूज़ करके देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सेल। और अगर किसी को फॉर्मूले नहीं याद हो रहे या किसी के पास फॉर्मूले नहीं हैं, आपने नहीं यूज़ किए हुए, तो आपको रेडीमेड मींस, कहने का मतलब है ऑटोमेटिक जो फंक्शन है हमारे, जैसे मुझे अब मैं इसको कट कर देता हूँ और मैंने अभी ऑटोमेटिक यूज़ किया है यहाँ से ऑटो सम। ऑटो सम में क्या होगा, आपको पहले से ही आपको फॉर्मूले बना के दे रखे होंगे। आपने क्या करना है, मान लीजिए मुझे इस पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, मुझे इस पॉइंट की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा पहले उस पॉइंट को जिस पॉइंट की मुझे वैल्यू निकालनी है, और मैं यहाँ से ऑटो सम पर जाऊँगा और सम पे क्लिक करूँगा और वहाँ पे उस तरह की उसकी वैल्यू जो है हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। क्लियर है? इसी तरह से नीचे शीट दे रखी है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, आप राइट इस पर क्लिक करेंगे तो शीट नंबर 4 आ जाएगी, ये जो पॉइंट आपको दे रखा है शीट 4 लेने के लिए। राइट क्लिक करेंगे तो कुछ शीट के ऑप्शन आएंगे, दोबारा से अगर नई शीट लेनी है तो यहाँ से भी आप वर्कशीट पे क्लिक करके इसको शीट को ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज आपने इसको डिलीट करना है तो डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट कर सकते हैं। रीनेम देना है तो रीनेम इसको आप यहाँ पे दे सकते हैं। मान लीजिए मैं अपनी फाइल को नेम देता हूँ ABCD कुछ भी, तो मैंने इसको नेम दे दिया। क्लियर है? अदरवाइज आपने इसको कुछ भी और भी चेंजेस करने हैं, व्यू कोड देखना है, प्रोडक्ट, अगर आपने लॉक लगाना है इस फाइल को लॉक भी कर सकते हैं, एड करना चाहते हैं एड भी कर सकते हैं, तो ये सारे ऑप्शन हमारे पास इसमें अवेलेबल रहेंगे। तो ये तो था हमारे पास MS वर्ल्ड के बाद MS एक्सेल में हमने आज पढ़ा फॉर्मूलाज के बारे में, जो फॉर्मूले हमने यूज़ किए हैं आज। तो चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा क्लोज हो चुका है, तो क्लास को करते हैं यहीं पे एंड। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे हम चैप्टर नंबर 4 के बारे में, चैप्टर नंबर 3 मोर इन एक्सेल, चैप्टर नंबर 3 जो है मोर इन एक्सेल, चैप्टर नंबर 2 हमने क्लोज कर लिया है, चैप्टर नंबर 3 रहेगा मोर इन एक्सेल। ठीक है, क्लास को करते हैं यहीं पे एंड। थैंक यू।